हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम बोर्ड का क्वेश्चन पेपर मार्च 2020 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट टू डिस्कस करने जा रहे हैं यह पेपर एटीन मार्च 2020 को हुआ था इसका सेट नंबर है एम थ्री नाइन सिक्स ये पेपर दो में जो है सिलेबस चेंज हुआ था नए को, नए कोर्स के अकॉर्डिंग रिवाइज कोर्स के अकॉर्डिंग ये पेपर है जो पहली बार ट्वेंटी में आया था और ट्वेंटी में यानी कि दो में एग्जाम्स नहीं हुए थे कोविड की से सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था उसके बाद अब सीधे 2022 में पेपर पेपर हो हो रहे हैं, तो ये 2020 का पेपर है, जिसे एज इट इज़ आप देख सकते हो कि कोर्स क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट्स नंबर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डी एन एम आर एन एज कॉल्ड the answer is a transcription second body breaks up into several fragments and each fragment starts to live as a new individual this is fragmentation option b is the correct answer third incomplete combustion of fuels leads to formation of carbon monoxide confusion me carbon dioxide mat karna this is carbon monoxide स्पिंडल फाइबर स्टार्ट अपियरिंग फ्रॉम प्रोफेज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर प्रोफेज स्टेज ऑफ कैरियो सार्स विच कैन बी यूज एज सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम एंड आयरन आर ऑप्टेन्ड फ्रॉम ग्लूकोनिक एसिड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन वन ए का ए पार्ट खत्म हो चुका है ये पांच ऑप्शनल एमसी क्यू जो थे ये अब क्वेश्चन वन ए का बी सब क्वेश्चन पे आते हैं सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड ओड वन आउट ड्राइंग साल्टिंग कुकिंग सोकिंग विद वॉटर तो इसमें कुकिंग जो है वो आपका ओड है बहुत इजी पेपर है पूरा पेपर बुक में से आया है 2022 का भी पेपर मोस्टली पेपर जो है वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर स्टेट बोर्ड हो एसएससी कोई भी पेपर बुक सबसे पहले टेक्स्ट बुक को कवर किया जाता है तो ये साइंस का पेपर भी आपका टेक्स्ट बुक में से ही है तो आप अपनी टेक्स्ट बुक का अच्छे से रिविजन करें राइट द को करेक्ट कोरिलेशन एनेलिटा अर्थवॉर्म बॉम प्लेटी हालमिनी इसका लिवर फ्लूक टेप आप कोई भी 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 एक लिख सकते हैं. लिखा 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 तो भी चलेगा, टेप लिखा तो भी चलेगा, लिखा तो चलेगा. 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 अब माउथ एंड टोबैको से सबको पता है कैंसर होता है राइट फंक्शन ऑफ टेस्टीज ये पेज नंबर ट्वेंटी में ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लिया गया है पेज नंबर 28 आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 28 टेक्स्ट बुक का वहां पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा नेक्स्ट है आई एम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिला एंड मैमल्स व्हाट इज माय नेम तो डक बिल्ड डक बिल्ड प्लैटिपस ये जो है इसका नाम है डक डक बिल्ड प्लैटिपस नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन टू पे आ गए हैं ए गिव साइंटिफिक रीजन एनी टू इंडियन शुड फॉलो फैमिली प्लानिंग फॉर कंट्रोलिंग साइंटिफिक रीजन आपको अपने मन से बताना है तो आपने जो भी आंसर इससे मैच करता हुआ लिखा होगा वो चलेगा देखिए फैमिली प्लानिंग करने के लिए मैंने एक आंसर लिखा है आप उसे एक बार चेक कर लीजिए स्क्रीन भी ले सकते हैं आप इसका बिकॉज इंडिया इज करंटली फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंडिया में ऑलरेडी ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है दिस में लीड टू ओवर कंजम्प्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और इसकी वजह से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनका ज्यादा यूज हो रहा है जैसे कि पानी है वो नेचर ने हमें दिया हुआ है पेट्रोल है कोल है ये सब नेचुरल चीज़ें हैं उनका यूज़ जो है वो एक्सेस यूज़ हो रहा है फिर और बढ़ जाएगा एंड में अफेक्ट द एनवायरमेंट और इसकी वजह से जो हमारा एनवायरमेंट है उस पर बहुत अफेक्ट पड़ेगा दिस में लीड टू पॉवर्टी इंक्रीज और इसकी वजह से जो पॉवर्टी है गरीबी है वो भी बढ़ जाएगी एंड इलिटरेसी एटसेट्रा और पढ़ाई भी शिक्षा शिक्षा भी नहीं हो पाएगी तो जिसकी वजह से क्या होगा अशिक्षा की दर बढ़ जाएगी अज्ञानता का रेट बढ़ फैमिली प्लानिंग फॉर कंट्रोलिंग करने के लिए कम बच्चे रहेंगे तो वो एजुकेशन अच्छी दे पाएंगे उनको रोजगार दिला पाएंगे इस टाइप से लिखा है तो आपको आंसर फुल मार्क्स मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइजिंग एक्सरसाइज करने के बाद हम क्यों थक जाते हैं इसका भी आंसर देख लेते हैं वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सरसाइज सॉल्यूशन वी फील एक्सॉस्टेड आफ्टर एक्सरसाइजिंग बिकॉज अवर मसल रन आउट ऑफ एनर्जी क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं उनमें एनर्जी की कमी हो जाती है अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑल्सो लॉसेज इट्स एबिलिटी टू कीप मूविंग अवर मसल्स और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी जो क्षमता है एबिलिटी मीन क्षमता है वो भी कम हो जाती है मसल्स को मूव करने की दिस कॉजेज मसल्स फैटिंग और इसकी वजह से हमें थकान हो जाती है मेकिंग अस फील एग्जॉस्टेड और हम, हमें थका थ, थकावट फील होती है किसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद नेक्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी सोलार एनर्जी एंड विंड विंड एनर्जी Are ये आपके 54 55 ये in, in है। और ये हमें नेचर से मिली है।, इनको और जो है कितना भी किया जा सकता है अगेन एंड अगेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी और इसके ऊपर हमने आंसर लिखा है वो भी देख लेते हैं बिकॉज दे आर अबन डांड इन ने नेचर में वो बहुत आयत में है सूर्य का जो प्रकाश है वो खत्म नहीं किया जा सकता हवा की एनर्जी है सूर्य की एनर्जी है ये सब एंड कैन बी रीजेनरेटेड और रिप्लेनिश्ड अगेन एंड अगेन और इनको दोबारा से जनरेट किया जा सकता है दिस विल नेवर बी एक्सटिंक्ट इवन विद देयर एक्सेसिव यूज ये कभी भी खत्म नहीं होगी चाहे हम इनका कितना भी यूज कर लें हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे जनरेट होती है देखिए वो फ्लोइंग वाटर से जनरेट होती है वाटर और विंड एनर्जी फ्लोइंग से आपने काइनेटिक ऊर्जा वगैरह विंड वगैरह उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है उसके बारे में भी आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा तो ये पेज नंबर फिफ्टी और फिफ्टी पर है आपका नेक्स्ट फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी थ्री ट द फॉलोइंग चार्ड तो ये आपके पेज नंबर फोर्टी टेक्सट बुक पे से, आपकी, आपकी पेज नंबर से लिया गया है इफेक्ट ऑफ रेडियो पहला टिश्यूज इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड जेनेटिक चेंजेस अकर और कैंसर तो सबको पता है कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन से कैंसर होता है ये देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन 2022 में ये आया है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 40 पेज नंबर 40 पर दिया गया है 2020 नहीं 2022 नहीं 2020 क्योंकि ये 2020 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 2020 में ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है आपका और ये इसके दिए हुए फोर टाइप्स देखिए कैंसर टिश्यू इन द बॉडी आर डेस्ट्रोय जेनेटिक चेंजेस अगर विजन इज एडवर्सली एडवर्सलीफेक्टेड तो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 40 पर ये सेम क्वेश्चन आपका दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ये आपका चैप्टर सिक्स पेज नंबर सेवेंटी फोर पे से लिया गया है पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग बिटवीन एविस एंड मैमेलिया ये चैप्टर सिक्स पेज नंबर एव्स एंड मैमेलिया तो ये देखिए चैप्टर सिक्स पेज नंबर सेवेंटी फोर ये देखिए टेक्स्ट बुक का पेज नंबर सेवेंटी फोर और ये देखिए एव्स एंड मैमेलिया तो ये भी इसके और ये भी इसके पॉइंट्स दोनों के मिला के आप लिखेंगे तो आपका डिस्टिंग और ब्रीफ में आप लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं एव्स ले एग्स और मैमल्स गिव बर्थ दूसरा देखिए मैबरी ग्लैंड आर एबसेंट और मैमल्स में मैमी ग्लैंड आर प्रेजेंट एव्स में हॉलो बोन्स होती है मैमल्स में सॉलिड बोन्स होती है और एव्स में जो है वो फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इन विंग्स और मैमल्स में नॉट मॉडिफाइड नेक्स्ट नेक्स्ट आपका देखते हैं ये आपका पेज नंबर वन हंड्रेड टेन पे से ये पिक्चर ली गई है बाई ऑब्जर्विंग गिवेन पिक्चर राइट एनी टू इफेक्ट्स ऑफ दिस डिजेस्टर इस पिक्चर को ऑब्जर्व करके आपको क्या पता चल रहा है कि ये रेलवे है 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 सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है दो ट्रेन का सीरियस ये रेलवे डिजास्टर है सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट है और अब अब इसने आपसे पूछा है पेज नंबर वन हंड्रेड पर ये दिया गया है टेक्स्ट बुक सेम पिक्चर है ये देखिए टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 110 है ये इस पे दिया गया है और यह सारे डिजेस्टर्स के टाइप्स भी दिए गए हैं क्या क्या है तो ये आपकी ही टेक्स्ट बुक में से लिया गया है ये क्वेश्चन पेज नंबर 110 तो अब इसने इसमें कहा है कि राइट एनी टू इफेक्ट्स ऑफ दिस डिजेस्टर इस डिजेस्टर के दो हमें टाइप्स बताने और उसके बारे में थोड़ा लिखना भी है जैसे कि लॉस ऑफ लाइफ होता है लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है फाइनेंशियल लॉस होता है जैसे कि डेस्ट्रिक्शन ऑफ बिलोंगिंग्स हो जाती है लॉस ऑफ लाइफ लोग अपने अपनों को खो देते हैं लॉस ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है तो इस तरीके से आप बना बना के दो चार पॉइंट्स आप इस पर लिख सकते हैं नेक्स्ट है एक्सप्लेन फोर टू मिनिमाइज स्ट्रेस ये आपका पेज नंबर वन हंड्रेड सिक्स पे से लिया गया है फोर वेस्ट टू मिनिमाइज स्ट्रेस तो देखिए आप नेचुरल लाइफ में भी देखते होंगे कुछ लोगों को जब स्ट्रेस होता है तो वो सिंगिंग करते हैं गाना गाने लगते हैं डांस करते हैं फ्रेंड्स के साथ आउट आउटडोर पे चले जाते हैं आउटडोर गेम्स खेलने के लिए लाफ्टर क्लब चले जाते हैं हंसने के लिए कम्युनिकेट करने के लिए और ये आपके पेज नंबर वन हंड्रेड सिक्स पे देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है ये स्ट्रेस मैनेजमेंट हैव यू सीन द ये देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए दिया हुआ है लाफ्टर क्लब है इस टाइप से मतलब आप अपनी बुक में कुछ भी बुक से बाहर का नहीं है देखिए जैसे फोटोग्राफ कलेक्शन फोटोग्राफी रीडिंग कुकिंग स्कल्पचरिंग ड्राइंग रंगोली डांसिंग ऐसे अलग अलग जिसको जो भी शौक है वो अपना वही शौक कर सकता है ये पेज नंबर वन हंड्रेड सिक्स पे से आपका लिया गया है कोई ड्राॅइंग बनाता है कोई रंगोली बनाता है नेक्स्ट है

मैंने पेपर में भी लिखा है आपके ये देखिए किस किस चीज में ऑयल स्पिल में जो समुद्रों में ऑयल टैंकर्स वगैरह से ऑयल लीक कर जाता है सीवेज मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं लैंड फिलिंग में हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बायो फ्यूल्स कंट्रोल सॉयल पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल फर्टिलाइजर्स प्लास्टिक डिकम्पोजिशन मैंने आपको एक्स्ट्रा ही बताया आपको सिर्फ चार ही लिखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थ्री सॉल्व फॉलोइंग दशन एनी फाइव एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमिकल एविडेंस विद एग्जाम्पल ये पेज नंबर फोर चैप्टर वन में लिया है 1 से लिया गया है पेज नंबर फोर चैप्टर वन और मैंने यहां शॉर्ट में भी लिखा है आपके लिए हेल्प अस टू स्टडी हाउ हैव स्पीसी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सपोर्ट द थियरी ऑफ एवोल्यूशन पेज नंबर फोर चैप्टर वन ये देखिए एनाटोमिकल एविडेंस टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी के पेपर में यह आया है पेज नंबर तो टेक्स्ट को अच्छे से स्टडी करेंगे सारे चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे आपका पूरा का पूरा पूरा का पूरा पेपर जो है वो टेक्स्ट बुक में से ही आता है व्हाट विल यू डू वाई ये जो आपका सोशल बिहेवियर वाला चैप्टर है उसमें से लिए गए हैं तीनों क्वेश्चन सोशल हेल्थ वाला जो चैप्टर है चैप्टर नाइन सोशल हेल्थ व्हाट विल यू डू और वाई इसमें आपको अपने मन से आंसर देने हैं सोशल हेल्थ के ऊपर मोदी जी भी बहुत बार बोलते हैं कि आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करो लोगों को बताओ चाइल्ड ऑफ योर नेबर इज एडिक्टेड टू टोबैको चुइंग आपके पड़ोसी का बच्चा जो है वो टोबैको चुइंग की उसको आदत है तंबाकू खाने की तो आप उसको मतलब ऐसे में आप क्या करोगे तो आपको अपने मन के आंसर देने हैं जैसे कि आप उसे गाइड करोगे कि दिस इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ इट मे कॉज यू कैंसर लाइक दैट नेक्स्ट है योर फ्रेंड हैज डेवलप्ड द हॉबी ऑफ स्नैपिंग सेल्फीज क्या आपके फ्रेंड को बहुत ज्यादा सेल्फी लेने की आदत है तो आप ऐसे में क्या करोगे तो ये एक बैड हैबिट है तो आप अपने फ्रेंड को क्या करोगे मैंने ब्रीफ में आंसर लिखा है आप उसे केयरफुल होने के लिए बोलोगे टू अवॉइड एक्सीडेंट्स कई बार न्यूज में आता है कि पानी के बीच में लोग फोटो क्लिक कर रहे थे सेल्फी ले रहे थे और अचानक से पीछे से पानी आ गया वो बह गए कई बार लोग पहाड़ से गिर जाते हैं इस टाइप से आई वुड गाइड माई फ्रेंड टू बिकम केयरफुल टू अवॉइड एक्सीडेंट्स उसके बाद मैं उसे ये सेकेंड सेकेंड ऑप्शन आप दे सकते हो कि टू एंजॉय मोमेंट विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली कई बार लोग सेल्फी खींचने के चक्कर में फैमिली और फ्रेंड्स को भी टाइम नहीं देते अलग अलग जाके अपनी सेल्फीज खींचते रहते हैं लाइक दैट थर्ड है योर सिस्टर हैज बिकम इनकम्युनिकेटिव शी प्रीफर्स टू रिमेन अलोन आपकी जो सिस्टर है वो किसी से बात नहीं करती उसे अलग अकेले रहना पसंद है तो ऐसे में आप उसे क्या करोगे आप उसे गाइड करोगे कि नहीं सबके साथ मिले जुले कॉम्युनिटिकेट कम्युनिकेट करे अपने मन की बात कहे लाइक दैट सोशल बिहेवियर के बारे में आप बताओगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिकॉशंस आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर डीकोजिशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट डोमेस्टिक वेस्ट होता है घरेलू कचरा अब देखिए मोदी जी के आने के बाद हमारे यहाँ पर इंडिया में क्या हो गया ड्राई वेट और वेट 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 गार्बेज अलग अलग हो गया है वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट तो सूखा कचरा और गीला कचरा दोनों को गाड़ी भी जो आपके घर पर कचरा लेने के लिए आती है उसमें दैट हैज टू बॉक्सेस एक तरफ आपको वेट वेस्ट डालना होता है और एक तरफ आपको ड्राई वेस्ट डालना होता है वाइल तो इसमें आंसर ऑन 83 पेज नंबर पर दिया गया है सीवेज मैनेजमेंट में क्वेश्चन थ्री जी पेज नंबर 86 चैप्टर सेवन उसमें से ये लिया गया है डोमेस्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के तो और अपने मन से भी आप दे सकते हैं कि जो डोमेस्टिक वेस्ट है जो सूखा कचरा है आप उससे खाद बना सकते हैं और जो ड्राई वाटर निकलता है उसमें से उसे आप प्लांट्स वगैरह में स्टोर करके फिर छान के उसमें नॉर्मल पानी मिला के उसे भी आप कंपोस्ट की कंपोस्ट की तरह यूज कर सकते हैं नेक्स्ट ऑब्जर्व फॉलोइंग डायग्राम राइट द द आंसर्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस ये पेज नंबर 69 टेक्स्ट बुक के चैप्टर 6 से लिया गया है टू व्हिच फाइलम दिस एनिमल इंक्लूड इन द डायग्राम बिलोंग तो ये आर्थ्रोपोडा से ये कॉकरोच है देखने से आप सबको पता चल रहा है ये किससे है आर्थ्रोपोडा से व्हाट इज द इको मेड अप चिटीनूअस इको इको ये पूरा का पूरा आपका पेज नंबर पे लिखा हुआ है इको नेक्स्ट है व्हाट इज द सिमेट्री तो इसकी जो है वो सिमेट्री होती है बी आई एल ए टी आर ए एल सिमेट्री ऑल्सो दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल तो आपको कौन सी सिमेट्री लिखनी है बायलेटरल एक्सप्लेन द फॉलोइंग फॉलोइंगसेप्ट इन शॉर्ट सरोगेसी तो ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर थर्टी टू पर दिया गया है फर्टिलाइजेशन, आई बी एफ ये भी पेज नंबर थर्टी टू टेक्स बुक बैंक तीनों एक साथ ही दिए गए हैं पेज नंबर थर्टी टू पे टेक्सट बुक के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लेबल द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन इन फॉलोइंग फिगर तो ये सबसे पहले लंग्स है फिर ये लिवर है ये लेग्स है ये किडनी है ये हार्ट है और ये माउथ है अब आपको आंसर कॉपी में अगर ऐसा डायग्राम दिया जाए तो आपको ऐसे वहां पर कैसे इसको आंसर करना है आप एक रफ डायग्राम बना लेना ये सुंदर होगा डायग्राम सुंदर हो नहीं भी होगा तो भी चलेगा लेकिन ऐसे आपको एक रफ डायग्राम बना के उसमें इंडिकेट करके बॉक्स बना के आपको बताना है फिल करना है मतलब डायग्राम आपको जरूर से बनाना है अदरवाइज आप इंडिकेट कैसे करेंगे तो आपका डायग्राम सुंदर नहीं होगा तो भी चलेगा लेकिन उसमें आपको ऐसे ही एक रफ इमेज बना के उसमें आपको ऐसे करके लिखना है कि ये किडनी है और उसको बॉक्स में ऐसे फिल कर देना है तो आपको अपनी आंसर कॉपी में एक रफ डायग्राम बना लेना है मतलब एक डायग्राम बना के उसमें अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप अच्छा बना सकते हो नहीं तो आप नॉर्मल जैसा भी डायग्राम आपको आता हो ऐसे डायग्राम बना के आंसर करें नेक्स्ट है मेक ए टेबल बेस्ड ऑन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिवाइसेस इलेक्ट्रिक एनर्जी फैन है इलेक्ट्रिक कोई भी इलेक्ट्रिक थिंग आप लिख सकते हैं कूलर है फैन है मैकेनिकल में स्विंग मशीन है बाइसिकल है थर्मल में अवन है हीटर है कॉफी मेकर है सोलार एनर्जी में सोलार कुकर है सोलार हीटर है शिरडी में बहुत बड़ी सोलार किचन बनी हुई है साईं बाबा संस्थान की तरफ से उसमें पूरा का पूरा रोज लाखों लोगों का खाना बनता है सोलार एनर्जी से ही YouTube में आपको उसके कई वीडियोस मिल जाएंगे नेक्स्ट है कंप्लीट दी पैराग्राफ यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स तो यहां पर जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं इनको इस पैराग्राफ में आपको फिल करना है तो ये आप पढ़ेंगे देखिए वॉटर ऑर्गेनिज्म उसके बाद है आपका उसके बाद है आपका वॉटर बाय मैकेनिकल ये देखिए मैकेनिकल ये रहा है यहाँ पर सब कुछ आपको यहां मिल जाएगा इट इज नॉट इजी टू रिमूव द ऑयल लेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर बाय मैकेनिकल मेथड हाउ वेक्ट बैक्टीरिया लाइक -like, तो ये देखिए प्यसोडोमोनास और राइजोबियम दो बैक्टीरिया का नाम दिया गया है एंड एल् उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आपका बैक्टीरिया आएगा दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन प्लास्टिक बैक्टीरिया बोनो क्लास्टिक एच सी बी डी द हाइड्रो हाइड्रो भी आपका यही दिया है सब ये रहा हाइड्रोकार्बन सब कुछ है एंड ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन सीओ टू तो so, CO2 टू ये रहा आपका टॉक्सिक यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है ये रहा टॉक्सिक वर्ड टी ओ तो सारे के सारे फिलिंग द ब्लैंक्स आपको इस पैराग्राफ में पढ़ने हैं आंसर करने से पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ ले और उसके बाद ही उसमें फिलिंग करें नेक्स्ट क्वेश्चन फोर है ये लास्ट क्वेश्चन है सॉल्व दी फॉलोइंग क्वेश्चन एनी वन अटेम्प्ट एट वेरियस लेवल्स आर परफॉर्म फॉर कंजर्विंग एनवायरमेंट एनवायरमेंट को बचाने के लिए बहुत सारे लेवल पर कुछ भी लोग लो कुछ कुछ करते हैं विच रोल वुड यू लाइक टू तो परफॉर्म तो आप क्या करना चाहेंगे इसमें आपको पांच पॉइंट दिए गए हैं। पहला है प्रिवेंशन दूसरा है कंट्रोल तीसरा है प्रोडक्शन फोर्थ है अवेयरनेस और लास्ट है कंजर्वेशन तो सबके लिए आपको ये कह रहा है गिव टू एक्शन सबके लिए आपको दो दो एक्शन तो प्रिवेंशन में आप क्या लिख सकते हो कि भाई आप फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन रोकोगे पेड़ों की कटाई है और एक्सेस यूज ऑफ एनर्जी जैसे कई बार लोग घरों में लाइट जली पड़ी है तो जली है फैन चालू, तो चालू है तो चालू है वैसा छोड़ के चल सकते हैं तो आप उसे प्रिवेंट कर सकते हो दूसरा कंट्रोल क्या क्या कर सकते हो तो कंट्रोल कंट्रोल ऑफ फ्लो कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन कर सकते हो कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ वेलोसिटी कर सकते हो एनर्जी वगैरह कंजर्वेशन में भी आप कंजर्वेशन ऑफ वाटर है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल है कंजर्वेशन लाइक दैट प्रोडक्शन ऑफ किस किस चीज़ की कर सकते हो प्रोडक्शन ऑफ बैग्स की कर सकते हो क्लोथ बैग जूट बैग बना सकते हो नेचुरल गैस बना सकते हैं अवेयरनेस किस चीज के बारे में रिड्यूस रियूस रिसाइकिल आप लोगों को बता सकते हो रिड्यूस करें रूस फिर रूज करें चीजों को रिसाइकिल करें चीजों को लाइक like दैट इसके ऊपर आपको दो दो पॉइंट्स लिखते हैं और गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी वॉट इज बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉ इसका आंसर मैंने सबका यहां लिखा है ए टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइज बायोलॉजिकल सिस्टम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और पार्ट्स ऑफ दिस टू डेवलप और क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट ये है बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट वाले का आंसर बी यूज यू बी है गिव वन यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फूड प्रोसेसिंग एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट मैंने आपको तीन दिए हैं आप कोई भी एक लिख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी गिव वन कमर्शियल यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ केयर मेडिकल डिपार्टमेंट में यूज होती है क्रॉप प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर में यूज होती है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में यूज होती है एक ही लिखना है मैंने आपको थ्री बताए नेक्स्ट है राइट टू बैक्टीरियल एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर राइजोबियम इनऑक्यूलेंट इज यूज फॉर लेग्यूमिनस क्रॉप्स एजोटोबैक्टर कैन बी यूज विथ क्रॉप्स लाइक वीट कॉटन एट्सेट्रा नेक्स्ट राइट टू नेम्स ऑफ क्रॉप्स जेनेटिकली डेवलप्ड तो कॉर्न है सोयाबीन है पोटैटो है पपाया है आर सम ऑफ द क्रॉप्स दैट आर जेनेटिकली डेवलप्ड तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं कोई भी दो नाम लिख सकते हैं और ज़्यादा के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं मैंने आपको कॉर्न, सोयाबीन पोटैटो पपाया चार बताया एंड सो ऑन तो ये आपका 2020 का साइंस का पेपर था जो कि आपका एटीनथ मार्च की डेट में हुआ था ट्वेंटी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल एम टू के साई को सब्सक्राइब करें यह सैंपल के तौर पर आपको दिखाया गया है ये पेपर 2022 में आने वाला नहीं है थैंक यू वेरी मच